नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन में मैंने किस किस तरह से बेस्ट मटेरियल का यूज कर रखा है, किस तरह से इसको ब्यूटीफाई करके कर रखा है, तो ये सब दिखाने वाली हूँ। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कुछ चीज़ें मेरे गार्डन में आपको यूनिक मिलेंगी, यानी कि जो मैंने खाली मेरे ही दिख सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, जो बहुत सारे लोग अपने गार्डन में उन चीज़ों को यूज करते हैं। तो मेरे साथ आज वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा मैंने क्या क्या किस तरह से अपने गार्डन में बेस्ट मटेरियल का यूज कर रखा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं देखिए ये अपने इस दीवार से अपने इस आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ और यहीं से मेरे बेस्ट मटेरियल का यूज आप देख लीजिए। तो ये देखिए, ये पूरी एक दीवार है जो किसी को इससे डिस्टरबेंस भी नहीं है। ये गैलरी के अंदर जो है दीवार है, साइड में थी और पूरी खाली पड़ी रहती थी दीवार, तो मैंने उसको देखो इस तरह से ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रखी है। इसमें सारे मेरे हैंडमेड DIY प्लांटर लगे हुए हैं जो घर में बेकार की, देखिए अब गर्मी आ गई है, हर किसी के घर में पेप्सी वगैरह ये चीज़ें आती हैं, जो लोग नहीं भी पीते हैं तो वैसे भी घर में कई चीज़ें ऐसी बोतलें निकलती हैं, बड़ी बड़ी बोतलें जो जिनको आप कहीं ना कहीं रूप में फेंकते हैं, तो इनको जो है आप जो है ब्यूटीफाई करके इस तरह से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारे ये वर्टिकल प्लांटर बना रखे हैं। ये प्लांटर बनाना बहुत सरल होता है, मैंने अपने जो है इसका एक वीडियो भी शेयर कर रखा है। और इसमें जो है बड़ी बोतल लेने पर जो है उसमें प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं और एक बोतल में प्लांट जो है 1 से 2 साल 2.5 साल आराम से जाता है। उसके बाद अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो उसको निकाल के जो है इसको डिवाइड कर दीजिए, या उसको ज़्यादा मतलब कटिंग वाला है तो कटिंग कर दीजिए, जैसा आपकी प्लांट की हेल्थ और ग्रोथ है उसके आधार पर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो सभी चीज़ें देखिए, ये जो है ये तो आपने देख लिए, सारे ये पेप्सी की बोतलें हैं, इसके मैंने बहुत सारे प्लांटर बना रखे हैं, बहुत सारे प्लांटर बना के कई तरह तरह से अपने गार्डन में इसका यूज कर रखा है। पेप्सी की बोतलें जो हैं इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही जो है बीच में से कट करके इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं में देखिए, ये जो ऊपर का पार्ट होता है उससे जो है इस तरह से फ्लावर बना रखे हैं आर्टिफिशियल, थोड़े से कलर करने से जो है ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। अधिकांश लोग पूछेंगे कलर के बारे में, तो मैं जो कोशिश करती हूँ कि बेस कोट जो है इसमें ऑयल पेंट का करूँ और जो डिजाइनिंग है वो एक्रिलिक कलर से करूँ। अगर आपके पास ऑयल पेंट का नहीं है, नहीं चाहते हैं, तो आप जो है काम जो है एक्रेलिक पेंट से कर सकते हैं, ये कलर भी बहुत अच्छे चल जाते हैं। देखिए इस छोटे से इस प्लांटर में लगा हुआ कितनी अच्छी तरह से बेबी टियर ने, देखिए कहीं पर भी आपको इसमें प्लांटर कम दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से ये पूरा यूज कर रखा है। अब ये देखिए, ये भी वेस्ट मटेरियल है, ये सारे जो है हमारे घर में निकलने वाले पुराने बिजली के तार हैं, उन्हीं में बहुत ही मजबूत होते हैं, सालों साल इनका कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप इसमें और डोरी कोई लगाएंगे तो वो जल्दी टूट जाती है। तो पर जो है इस तरह से ये लगाकर एक है, और ऊपर जो है एक कील काटी डाल करी गई है, ड्रिल कर दी गई है, और उसी में ही 3 प्लांटर इस तरह से अरेंज हैं। और इस वाले इसमें मैं क्या करती हूँ, जो किनारे पर स्पेस होता है उस पर भी जो है इस तरह से एक प्लांटर हैंग कर देती हूँ, यानी कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट लगाने की टेक्निक और इस तरह से वेस्ट मटेरियल का ब्यूटीफुल यूज। ये ऑयल कैन हर किसी के घर में निकलते हैं, तो ऑयल कैन को तो आप बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसको कलर कर दिया और ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, सालों साल ये बना रहेगा। देखिए इस तरह से फायर क्रैकर इसमें कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ, बहुत सारे मैंने बना रखे हैं, ये देखिए पहले भी कई बार दिखाया है ये भी, और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से, देखिए ये भी जो देख रहे हैं आप, ये ऑयल कैन के ही बने हुए प्लांटर हैं, बहुत समय से धूप में पड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से इनमें एस्पर्गस फर्न चल जाते हैं। ये देखिए ये भी ऑयल कैन ही हैं, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऑयल कैन का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसको किसी तरीके से भी आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये देखिए ये लगा रखे हैं, ये भी देख लीजिए कितना सुंदर, और ये देखिए इसमें रसगुल्ले आते हैं, वो डिब्बा है, ये देखिए ऊपर से जो है ये प्लांटर, नीचे से ये हाथी की डक बनाई गई है, और इसमें एक जो है मुर्गियों का जोड़ा बनाया गया है। सब ये ऑयल कैन हैं। जो ड्रेनेज पाइप होता है उसको भी आप जो है अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए स्टैंड, और ये देखिए ऊपर से जो है बोतल काट के उस पर जो है ये बंडरिंग जो लगा है। फिर ये देखिए एक ड्रेनेज पाइप से मैंने स्टैंड बना रखा है, इसमें मेरे 3-4 प्लांटर जो हैं आराम से हैंग हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए ये
ये सब ये प्लांटर सेंटर में एक आता है और किनारों पर इस तरह से आ जाते हैं, एक ये है, एक यहाँ पर, एक नीचे, फिर इस तरह से इनमें जो है छेद करके ड्रेनेज पाइप में अंदर से जो है इनमें कीले लगा के, कीलों को जो है गिरती भी नहीं है ये प्लांटर इस पर लगे हुए। ये देखिए ये जो है करवा चौथ की जो मटकियाँ होती हैं, और उसके बीच में देखिए एक तो ये तो मेरे रेड्डी बाज़ार के जो प्लांटर है बीच में जो रखा है वो मैंने खुद बना रखा है, और उससे ऊपर मैं दिखाती हूँ ये भी जो है पेंट की जो बोतलें डिब्बे होते हैं वो हैं। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में जो है वेस्ट मटेरियल का ब्यूटीफाई यूज कर सकते हैं। ये जो है एक टायर है, टायर को भी जो है ऊपर अंदर की तरफ से छेद करके इस तरह से जो है जो पुरानी बिजली के तार होते हैं उन्हीं को लगाया गया है, और इस तरह से बीच में जो है इसमें एस्पेगस फर्न और किनारों पर जो है बंटिंग जीव लगाऊंगी। कुछ दिनों में पहले ही बनाया है ये प्लांटर भी, तो ये भी इस तरह से वेस्ट मटेरियल का यूज है। अमेजोन से सामान वगैरह लेने के बाद जो है इस तरह के कार्डबोर्ड हर किसी घर में आते हैं, तो इनको हम फेंक देते हैं। देखिए इनमें जो है कितना बड़ा ये प्लांट है, देख लीजिए आप, बहुत ही बड़ा प्लांट है ये पूरा सनफ्लावर का, और बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, और नीचे जो है इसमें पूरे उसमें जो है मैंने कूड़ा कचरा डालती हूँ तो वो फर्टिलाइज़र बन जाता है। ये देखिए इसका फॉलिएज देखिए आप कितना खूबसूरत है, और इसमें है स्वीट पोटैटो वाइन, ये दोनों कलर हैं इसी के अंदर, और ये लगी है एक जो है इस तरह की वेस्ट मटेरियल में जो कि आपको पॉट भी आप दिखाई नहीं देता है, और इसके नीचे पूरा आपके गार्डन की जो है लीव्स भरी पड़ी हैं। ये इसको जो है इस प्लांटर को 2 साल से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि जो थर्माकोल होता है वो गलता नहीं है पानी से, तो बहुत समय तक चल जाता है, तो इतना अच्छा इसका ये फॉलिएज आया है, कितनी भी मैं कटिंग बनाना चाहूँ इससे कटिंग बना सकती। ये देखिए अब जो है हमारे सर्दियों के प्लांट को संभालना होता है, तो उनके लिए हम अलग से जिनके पास बहुत सारे प्लांटर हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास कम हैं वो परेशान रहते हैं कि कैसे रखें, तो मैंने जो है अपने जो है इसमें गजानिया और डेंथस जो है मेरे ये कई प्लांट आ गए हैं। और ये देखिए क्या चीज़ है, ये अमेजन से आया हुआ दूसरा बैग है, जो भी टूट गया तो वो भी मैंने एक जो है उससे बांध दिया है डोरी से, तो इस तरह से देखिए, और नीचे पूरा इसमें जो है मेरी कंपोस्ट भी तैयार हो रही है, और ऊपर से ये जो है प्लांट, क्योंकि नीचे जो है पूरे जो है गार्डन के जितने पत्ते गिरते हैं वो सब भरे जाते हैं, तो इस तरह से हम इनका ब्यूटीफाई यूज कर सकते हैं, यूजफुल यूज कर सकते हैं, यूज बहुत ही अच्छा तरह से रहता है, क्योंकि हमें इसमें बहुत परेशानी थी। गार्डनिंग ऐसे करनी चाहिए कि जिसमें आपको टेंशन ना हो, परेशानी ना हो, इस तरह से गार्डनिंग करनी चाहिए। देखिए ये पुराने जो है ये मटके हैं, इसी में स्टैंड भी तैयार है, और ऊपर से जो है ये इतना हेल्दी ये प्लांट है जो बर्ड्स पर भी आ गया है, ये देख लीजिए। तो मैं इस तरह से बेस्ट मटेरियल को ब्यूटीफाई करके अपने गार्डन में यूज करती हूँ। इन्वर्टर का जो पानी आता है उसकी जो बोतल होती है वो भी काफ़ी बड़ी होती है, तो नीचे से बड़ा हिस्से से बड़ा प्लांटर और ऊपर के हिस्से से देखिए इस तरह से हैंगिंग प्लांटर तैयार हो जाते हैं। अभी मैंने इसी बोतल का जो है बड़ी बोतल है इसका जो है ऊपर का पार्ट दिखाया था, नीचे के पार्ट में देखिए कितनी अच्छी तरह से ये भिंका का प्लांट चल रहा है। पुराने मटके का देखिए आप प्लांटर तो बना सकते हैं, साथ ही कंपोस्ट बिन बनाना बहुत अच्छा रहता है। देखिए मैंने इसके नीचे एक पुरानी बाल्टी लगा दी गई है, उसमें जो है इसमें ड्रेनेज कर रखा है, इसमें मैं अपने गार्डन का कूड़ा कचरा डालती हूँ, और ऊपर से जो ढक्कन लगा रखा है उस पर भी मैंने एक कटिंग लगा दी है, तो ये देखिए ये भी कटिंग भी चल गई है, और इसके अंदर मेरा फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है, ये कंपोस्ट तैयार हो रही है, इसमें किसी तरह की बदबू नहीं आती है, और जो है गार्डन में ये चीज़ जहाँ पर रखी होती है थोड़े कलर का देने से खूबसूरत दिखाई देती हैं। ये देखिए ये पुराना डस्टबिन है, चाहे तो इसको कलर कर दीजिए या ना कलर करें, जब इसमें फॉलीज अच्छा आता है तो वो प्लांटर अपने आप ही खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ें जो हैं वो प्लांट की खूबसूरती के कारण लगाई होती हैं। ये जो आप इतना हेल्दी और जो है खूबसूरत बट से भरा हुआ प्लांट दिखाई दे रहा है, ये लगा हुआ है इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये जो पुराने फ़िल्टर का ऊपर ये जो है नीचे का पार्ट है, इसमें देखिए नल भी लगा हुआ है, ये अपने आप लगा रहता है, मैंने कलर कर दिया, मेरे प्लांटर का काम हो गया है, और ये देखिए कितने अच्छी तरह से पूरा प्लांट, और ये करीब 3-4 साल से इसमें लगा हुआ है। फ़िल्टर के दोनों पार्ट का यूज़ मैंने एक्जोरा के प्लांट को लगाने के लिए ही कर रखा है, तो इसमें देखिए अभी बर्ड्स तो नहीं आई हैं, और ये एक्जोरा भी देखिए पूरी तरह से हेल्दी है, ये रेड कलर का एक्जोरा है। कार्डबोर्ड का यूज़ मैं इस तरह से करती हूँ, देखिए इसे मैंने पूरा कूड़ा कचरा भर दिया, ऐसे छोड़ दूंगी कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों छोड़ने से क्या होता है टोटली डिकम्पोज हो जाता है, अगर आप कूड़ा कचरा डालते ही उस पर प्लांट लगा देते हैं तो कई बार उसके मरने के चांसेस होते हैं, तो इस तरह से देखिए ये पूरा एक कार्डबोर्ड ही है, कुछ साल चलेगा बढ़िया है, तो जब तक मेरे पास फर्टिलाइजर भी तैयार होगा, बाद में ये कार्डबोर्ड भी आपके गार्डन में इस्तेमाल हो जाता है, जो आप फर्टिलाइजर बनाते हैं जो कंपोस्टिंग करते हैं उसके अंदर जो है इसको पानी में थोड़ा सा भिगा के डाल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए, तो अच्छा इस्तेमाल होता है।
विंटर के प्लांट को मेरा संभालने का तरीका यही होता है। ये देखिए, ये जो है इस तरह के पॉली बैग हैं, इसमें नीचे कूड़ा कचरा है, ऊपर से जो है ये मेरे बहुत अच्छे हेल्दी सॉइल बनाकर ये प्लांट लगाए गए हुए हैं। ये जो है पॉन्सीटिया के प्लांट हैं, इस तरह से रख दिए गए हैं, तो इससे मेरे पास जो है प्लांटर की कमी नहीं हो पाती है। जो हमारे घर में पुरानी प्लेट हो जाती हैं या कोई और चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको नीचे रखने के लिए देखिए ढक्कन है। अब ये छोटे छोटे प्लांटर हैं तो इनके नीचे जो है ये जो पानी है वो स्टैंड में न जाए करके इस तरह से इस ढक्कन में लगा सकते हैं, तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, एक डिब्बे में मैंने अपने सारे जो है टूल्स संभाल रखे हैं, क्योंकि टूल्स भी हमारे गार्डन में जो होते हैं इधर से उधर फैले रहते हैं, तो कई बार हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से हम घर में निकलने वाली चीजों को बहुत तरीके से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मटकी को ही जो मैंने आपको बताया था कि अभी आप जो है बीच में से कट करके स्टैंड बना सकते हैं, और सिंपल तरीके से भी इस तरह से देखिए ये बहुत अच्छी तरह से प्लांट चल जाते हैं। और ये जो है टिन प्लांटर हैं, जो हमारे पास ऑयल के तेल के जो कंडीशनर आते हैं वो हैं, और देखिए बहुत अच्छी तरह से बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं ये। इनको बनाना कैसे है इसका भी मैंने वीडियो शेयर किया था। टिन को बीच में से काट कर इस तरह से ही बनाया जा सकता है। ये देखिए मेरा पुराना हो गया बहुत ज़्यादा, तो अब मैं इसको हटाऊंगी। ये पुरानी बकेट है, ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पेंट कर दिया था, और इसमें जो है अलमंडा का प्लांट है, और नीचे से जो है ये स्वीट पोटैटो वाइन इतने अच्छे हेल्दी फॉलेज आ गया है। अब ये देखिए, ये जो है ये कोई बैग है जो पुराना, और इस पर देखिए मेरी ये पूरी करेले की बेल कितनी अच्छी तरह हेल्दी ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ कर रही है। और नीचे जो है मैंने पूरा गार्डन का जो है वो कंपोस्ट डाल रखा है, कूड़ा कचरा, तो उससे जो है मैं जो झाड़ू लगाती हूँ वो भी मैं दोस्तों फेंकती नहीं हूँ, वो भी मेरे गार्डन में हमेशा इस्तेमाल होता है। ये टब है, टब में मेरे बहुत सारे प्लांट को स्टैंड का काम भी कर रखा है, सारे मेरे प्लांटर उसमें जो छोटे छोटे प्लांटर हैं वो भी रखे गए हैं, क्योंकि समर में जो छत में जो है बहुत गर्मी पड़ती है, और नीचे जो है टब को जो है ज़्यादा गर्मी ना लगे करके इस तरह का पुराना हीटर को जो है मैंने स्टैंड के रूप में यूज कर रखा है। तो इस तरह से हम अपने गार्डन में बहुत सारी चीज़ों को अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिक्सी का जार है देखिए, और विंटर में जो है जार का जो कवर होता है वो है, और विंटर में जो है मैंने इसमें ग्रो कर रखा था एनुअल क्राइसेंथेमम, वो ख़त्म हुआ तो ये सनफ्लावर लगा दिया गया। तो देखिए अब इसकी थोड़ी एज ख़त्म होगी तो हटा देंगे इसके बाद। तो ये इस तरह से बहुत समय तक हमारे पास जो है चल जाते हैं। जिन लोगों के पास भी प्लांटर की कमी होती है वो लोग इस तरह से अपने गार्डन में वेस्ट मटेरियल का बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखिए एक पॉली बैग में ही लगा हुआ है, बिल्कुल टोटल वेस्ट मटेरियल है। देखिए ये पूरी तरह से फटने वाला भी है, और इसका फॉलियज देखिए आप कितनी सुंदर तरह से फ्लावरिंग हो रही है, भर भर के फूल आ रहे हैं इनके अंदर। जब भी हम किसी प्लांट जो हम वो सीडलिंग करते हैं तो बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो छोटे छोटे दूध के पैकेट होते हैं या चाय पत्ती के पैकेट होते हैं उनमें नीचे जो है आप पुराने जो है पत्ते सूख जाते हैं दोस्तों, मैं कोई भी जो प्लांट मेरा सूखता है उसको भी नहीं फेंकती हूँ, वो भी सब मैं कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। तो उनको नीचे भर दीजिए और कुछ दिन, और ऊपर से अच्छी सॉइल डाल दीजिए, छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के छोड़ने के बाद उसमें जितना नीचे को डाउन बैठना होता है वो बैठ जाता है, उसके बाद उसमें अच्छी से सॉइल लगा के जो पनीरी बनाई है आपने, जो नए प्लांट बनाए हैं, जो सीडलिंग तैयार कर रखी है उसको लगा दीजिए, तो वो अच्छी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उसके जो है सीधे वो उसमें ज़्यादा गैस नहीं बनने से, क्योंकि वो डिकम्पोज हो चुका होता है पहले से ही, तो बहुत अच्छी तरह से आपके गार्डन में वो चल जाता है। समर की हीट में देखिए डहेलिया का प्लांट है ये छत पर रखा हुआ, ये देखिए टाइड का ये बैग है, ये देखिए ये छत पर ही रखे हुए हैं, ये कल ही मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर रखा है तब ऐसे हो रहा है। घर में जो पुरानी बास्केट हो जाती हैं उनको देखिए, उनको भी आप इस तरह से अपने फेंकिए मत, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम बहुत अच्छी तरह से। पुरानी बास्केट, पुराने टब, इनमें पुदीना वगैरह लगाइए, पार्चुला का लगाइए, पर्सलेन लगाइए, तो ये प्लांट जिनकी जो है ज़्यादा गहराई में इनकी जड़ें नहीं जाती वो आसानी से चल जाते हैं इनके अंदर। वगैरह से जो खाना वगैरह आता है कभी, तो उसमें भी देखिए इस तरह के डिब्बे आते हैं, इनको देखिए इस तरह इस्तेमाल किया है, और जो है इसमें नीचे जो लगाया गया है वो किसी भी कोई चीज़ का ढक्कन है, उसमें के लिए भी मैंने कोई प्लेट वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रखा, क्योंकि इन छोटे प्लांटर के लिए छोटी प्लेट चाहिए होती है। कोई स्टोन वगैरह मिल जाते हैं तो उनको भी आप ब्यूटीफाई करिए, देखिए इस तरह सजा सकते हैं गार्डन में। बोतल के ऊपर के पार्ट से बने हुए फ्लावर देखिए कितने सुंदर दिखाई, देखिए एक ही जी है ये भी, ये फ्लावर बना रखा है, सालों तक ये फ्लावर ऐसे चलते हैं, अगर शेड में रखे होंगे, अगर बाहर आप धूप में रखते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, जिन दिनों जो है हमारे पास फ्लावर्स कमी होती है तो उन दिनों ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। कोई भी प्लांटर में आप इसको जो है, इसमें जो है साइकिल की स्टिक पर के ऊपर जो मैंने ये जो है लगा रखे हैं, तो इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से जो है बहुत अच्छे, ये देखिए बोतल है, ये बोतल को पेंट करके उसके ऊपर जो है ये रिबन ग्रास है, और इस तरह से ये लगा रखा है। तो दोस्तों
देखिए मैंने एक और दिखा देती हूँ आपको, इसी तरह से देखिए ये मेरे पूरे जो है ये लगे हुए कोचिया, और उस साइड को जो है वेस्ट मटेरियल में ही आपको कोई दिख नहीं रहे हैं, पॉट जो पीछे रखे हैं। और इस तरह से देखिए मैं हर चीज़ को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने की कोशिश करती हूँ। ये कोचिया के साथ जो है इस तरह से नीचे कोलियस लग गए हैं इस स्टैंड में, और ये देखिए पूजा की मटकी है, ये जो गार्डन के जो पुराने जो नर्सरी पॉट आते हैं उनको डिजाइन कर रखा है। इस तरह से कलर कर देती हूँ इनको, क्योंकि ब्लैक पॉट जो होते हैं समर में हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही गार्डन में बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने गार्डन में ज़रा सा देख लें तो क्या क्या चीज़ों को हम बहुत तरीके से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफाई यूज होता है इन चीज़ों का। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये देखिए ये दही का जो एक दही आती है इनके अंदर, और उसको कलर करके जो है इस तरह से देखिए कितना सुंदर प्लांट लगा हुआ है। और ये देखिए ये जो बाइंच आ रही है इस पर जो है स्टिक कैसे बनाई गई है, ये पुरानी जो घर में बोरियां पड़ी होती हैं जो वाइपर के जो टूट जाते डंडे उनमें जो है पूरा ये बांध के सिल के रख दिया, मजबूत बन गई है ये, जो मार्केट से जो मिलती है उससे ज़्यादा अच्छी मजबूत होगी, और इस पर बहुत अच्छी तरह से मेरा ये प्लांट पर जो है इस पर चढ़ जाएगा। ये देखिए ये जो है चाय पत्ती के और ये जो केले के छिलके, संतरे के छिलके, प्याज के छिलके सबको सुखा दीजिए, सुखा के जो है उनको एक बार पीस के किसी डिब्बे वगैरह में रख दीजिए, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला दीजिए जिससे वो ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरह से भी हम जो है इनको कई तरह से यूज कर सकते हैं। ये चाय पत्ती सूख रही है क्योंकि अभी हम किसी प्लांटर में डाल देंगे तो हो सकता है उसको आवश्यकता न हो। तो जिस समय आप प्लांटर की सॉइल बनाते हैं, जैसे कोई फ्लावरिंग वाले प्लांट को बनाते हैं, इनको थोड़ी सी दो चम्मच इसके भी डाल दीजिए क्योंकि ये परमानेंट हमारे पास बना रहता है। तो इस तरह से हम वेस्ट मटेरियल का बहुत ही सुंदर तरीके से अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये सब चीज़ें जो हैं हम फेंकते ही हैं।